नमस्कार। तो रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बड़ी वाली मुबारकबाद उनकी दूसरी पारी के लिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी ओथिंग सेरेमनी में बिजी थे और दूसरी तरफ एक खबर पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले चुकी थी, जिसको कहते हैं #PrayForNesamani। पूरी दुनिया भौचक्के में थी, पूरा गूगल का सर्च इंजन बैठ गया था इस सर्च से कि हु इज नेसमनी, आखिर ये नेसमनी है कौन। दुनिया के बड़े से बड़े लीडर से लेके हिंदुस्तान के बड़ा सा बड़ा सेलिब्रिटी इसी आग पे था। हर कोई ट्वीट कर रहा था कि आखिर नेसमनी की तबीयत कैसी है, नेसमनी जी को हुआ क्या। पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटीज हो, बॉलीवुड के हों, चाहे हॉलीवुड के हों, चाहे वो कॉलीवुड के हों, यहां तक कि जर्नलिस्ट, टीवी मीडिया तक इस आग में कूद चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओथिंग सेरेमनी एक तरह से हल्के में पड़ गई इस ट्रेंड के चलते। आखिर ये नेसमनी साहब हैं कौन, ये कॉन्ट्रैक्टर नेसमनी साहब हैं कौन, आपको बताते हैं। दरअसल बात शुरू हुई थी पाकिस्तान के एक मीम्स क्रिएटर पेज से। मीम्स क्रिएटर्स के पेज का नाम है सिविल इंजीनियरिंग लर्नर्स। वहां पर एक हथौड़े की फोटो डालकर ये पूछा गया था, इसे आपके देश में क्या कहते हैं। बस ये कहना था कि पीछे से एक तमिल भाषी के पास ये पोस्ट पहुंचा, उसने उसके नीचे लिखा इसको कहते हैं सुत्तियल, इसी ने नेसमनी साहब के सर को फोड़ दिया। जी हाँ, एक फिल्म है फ्रेंड्स जो 2001 में आई थी, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सुपर डुपर हिट थी। इसमें इतने सारे कॉमेडी सीन्स थे कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। उसी में से एक सीन है जहां पर नेसमनी यानी कॉन्ट्रैक्टर नेसमनी नीचे काम बता रहे होते हैं, उनके भाई के बेटे ऊपर कील उखाड़ रहे होते हैं, तो वहां से उनके हाथ से हथौड़ा छूटता है और नेसमनी साहब के सर पे गिर जाता है। तो ये इतना पॉपुलर सीन है कि हर तमिल भाषी को इस सीन के बारे में याद आ गया। बस उसके बाद उनके मित्र ने भी पीछे से एक ट्वीट कर दिया, क्या वो ठीक हैं? उसके बाद एक और मित्र ने डाला, आखिर नेसमनी साहब कहाँ हैं? बस ये चेन बनती रही और कुछ ही घंटों में वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग शब्द प्रे फॉर नेसमनी हो गया। तमिल भाषी जो लोग हैं वो तो इस सीन को जानते थे और वडिवेलु साहब को भी जानते थे जिन्होंने इस किरदार को निभाया, लेकिन तमिलनाडु के बाहर नेसमनी को कोई नहीं जानता था। यही एक कारण था कि पूरी दुनिया हु इज नेसमनी सर्च करने लगी और यह ट्रेंडिंग शब्द इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा कि जितने भी तमिल भाषी थे, जो भी इस सीन को याद कर रहे थे या फिर इस किरदार को याद कर रहे थे, वो सभी लोग एक तरह से ऐसे ट्वीट कर रहे थे जैसे कि सच में नेसमनी साहब को कुछ हो गया। हकीकत यह है, ये एक सिनेमा का सीन है जिसको लेकर कुछ लोगों ने एक मजाक बनाया। वो मजाक एकदम इतना सीरियस हो गया कि पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ गई। अब आपको बताते हैं आखिर इस लपेटे में आया कौन कौन और किस किसने इसमें पे मजे लिए। इस पूरे मजाकिया माहौल को हर किसी ने और मजेदार बना दिया, यानी टीवी चैनल सीधे कूद पड़े, YouTube हैंडलर्स सीधे कूद पड़े, Facebook, Instagram, Twitter तो भरा पड़ा है। हरभजन सिंह जी कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है नेसमनी, उसको पीली पगड़ी बहुत पसंद है और मेरी जो पगड़ी है ये उनके लिए भेंट है। उसके साथ साथ निपॉन पेंट कहते हैं कि हमारे जो पेंटर हैं वो इतने ट्रेंड हैं कि हथौड़ा नहीं छोड़ते हैं नीचे। यहाँ तक ही नहीं, जो ADMK, DMK के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसमें कूद पड़े। ये जो मजाक का ट्रेंड चल रहा था, इसमें चलते चलते अपोलो अस्पताल को भी लपेटे में ले लिया गया। साथ साथ में कई सारे जो तमिलनाडु के जर्नलिस्ट हैं वो भी कूद पड़े। तो ये माहौल इतना सीरियस लगने लगा लोगों को कि हाँ, सही में कोई नेसमनी जी हैं जिनके सर पे हथौड़ा गिर गया है और इतने पॉपुलर हैं, इनके बारे में सब लोग ढूंढ रहे हैं आखिर ये है कौन। ये जो किरदार है नेसमनी, इसको निभाया था वडिवेलु नामक एक हास्य कलाकार ने।
तमिलनाडु में अगर आप बात करें, रजनीकांत का नाम हर जगह आता है, लेकिन उससे भी बड़ा एक नाम था वडिवेलु। एक समय ऐसा था 90 और 2000 के दशक में, वडिवेलु अगर किसी सिनेमा में नहीं है तो वो फिल्म नहीं चलती थी। यानी इतना बड़ा नाम हो चुका था कि गेस्ट अपीयरेंस में कम से कम वडिवेलु जी को ले लिया जाता था। 365 दिन वडिवेलु जी बुक्ड रहते थे, यानी इतने फिल्म करते थे एक ही साथ कि इनके पास समय ही नहीं होता था। दो दो सालों की कॉल शीट्स इनको मिलती थी। 177 इन्होंने फिल्म करी है, 32 से ज्यादा गाने गाए हैं। बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, शीशे के कारखाने में काम करते थे, शीशा देख देख के खुद से एक्टिंग सीख ली। सिनेमा इनका शौक था तो सिनेमा में अपना लक आजमाने चेन्नई पहुंच गए। यहाँ वहाँ प्लेटफॉर्म पे सोए, कहीं कब खाना मिला कहीं नहीं मिला, जैसे तैसे छोटा सा रोल मिल गया। रोल मिलने के बाद भी इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो कलाकारी थी, इनकी जो अदाकारी थी, वो इतनी लोगों को पसंद आई कि इनको एक के बाद छोटे छोटे रोल मिलने लगे। 1992 के बाद इनको इनकी जो गाड़ी थी वो कभी रुकी ही नहीं। आज इन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले लिया है एक तरह से। इनका ये कहना है, जितनी मुझे सिनेमा करना था मैंने कर लिया है, अब जो पीछे से जो और लोग आ रहे हैं उनको आगे आने दीजिए, उन कलाकारों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर मैं सिनेमा में रहा तो मेरी वजह से कई ऐसे कलाकार हैं जिनको मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर आप गूगल पे वडिवेलु कॉमेडी करके डालें, सर्च करें, तो अगर आपको भाषा भी नहीं आती हो तब भी यकीनन आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। एक तरह से कहा जाए ये एक चार्ली चैपलिन है। यानी भाषा हंसने के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनकी जो अदाकारी होती है वही आपको लोटपोट कर देती है। आशा करते हैं कि आप भी वडिवेलु जी को सर्च करेंगे, उनकी कुछ एक हास्य कॉमेडी को देखेंगे, और जो हैशटैग है प्रे फॉर नेसमणी, इस पे भी आप कुछ ना कुछ बनाएंगे और अपने फेसबुक या फिर ट्विटर यूट्यूब में कुछ ना कुछ डालेंगे। बने रहे हमारे साथ दुरुस्त न्यूज, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।